गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र भट्ट तथा ट्रेनिंग स्कूल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बात करी, बहुत सारी चीज़ों बात करी, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे वेल का, एक शानदार प्रोडक्ट है जिसकी हम अभी तक चर्चा नहीं कर पाए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शायद मैंने अभी तक उस पर वीडियो नहीं बनाया, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो हम उस पर डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की कि सर इस प्रोडक्ट पे जरूर वीडियो बनाओ, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके, मेरे और सबके काम का है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारी प्यारी, सबसे शानदार प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा बीवी देने वाला प्रोडक्ट, एंटी रेडिएशन चिप। जी हाँ, हमारी जो इन्वेरो चिप है वो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, एक बहुत ही शानदार टूल है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको अगर इस प्रोडक्ट के किसी से भी बात करनी है तो किस तरह से बात करें और कैसे बात करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 130 करोड़ लोग हैं हमारे देश में से, अगर उनमें से लगभग जो डेटा है वही कहता है कि 110 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, यानी कि आपके पास 110 करोड़ ग्राहक हैं जो इस चिप को ले सकते हैं। लेकिन वो कैसे लेंगे, कब लेंगे, जब आप इसे बताएंगे कि ये चिप कैसे काम करती है और क्या काम करती है। तो दोस्तों, मैं आपका समय न लेते हुए अब सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि मोदी केयर इन्वेरो चिप, जैसा कि यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है रेडिएशन प्रोटेक्शन। जी हाँ, रेडिएशन प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी ये रेडिएशन को से हमें, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये रेडिएशन को बंद नहीं करती, ये रेडिएशन को रोकती नहीं है, सिर्फ जो रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, जो रेडिएशन आ रहा है ये उस रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी चेंज कर देती है। जी हाँ, जो रेडिएशन इस तरीके से आ रहा था, लहरों की तरह जो आ रहा था, उसे उसने चेंज कर दिया, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी, उसका जो हम अगर कह सकते हैं उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, उसकी जो भाषा है वो चेंज कर दी, जिससे कि वो उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती उस तरीके से हमारी बॉडी पे, हार्मफुल जो सीधा रेडिएशन की वजह से जो नुकसान हो रहा था, अब हम उससे बच सकते हैं। लेकिन अब लोगों को लगता है, यार आप कह रहे हो हम कैसे मान ले। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेरे कहने से क्या होता, लेकिन कुछ लोग और भी हैं जो इसके बारे में कह रहे हैं, टेस्टेड बाय मैक्स हेल्थ केयर इंडिया। जी हाँ, मेरे ख्याल से एक अच्छा नाम है, एक बड़ा नाम है जो बता सकता है कि हेल्थ के बारे में ये काम है, काम की चीज़ है या नहीं। तो मैक्स हेल्थ केयर इंडिया इसकी गारंटी लेता है, उन्होंने इसे सर्टिफाइड किया है, टेस्ट किया है, 400 से ज़्यादा लोगों पर इसे टेस्ट किया गया है। फिर उसका सर्टिफाइड बाय DB टेक्नोलॉजी UK। जी हाँ, आप सोचो कि इंग्लैंड की DB की टेक्नोलॉजी ने भी इसे सर्टिफाइड किया है। उसके अलावा इसके रिजल्ट जो पब्लिश हुए हैं जनरल बायोलॉजिकल साइंस और इंजीनियरिंग USA के अंदर, तो आप सोच सकते हो इसे कौन कौन लोग बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट काम का प्रोडक्ट है। और लास्ट में है CE, जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलता है, उन्हीं प्रोडक्ट को मिलता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट हैं और पूरी दुनिया के अंदर जिन्हें बेचा जा सकता है। और आगे बात करते हैं दोस्तों, और ये लगाने के बाद में ये आपको क्या क्या काम करती है। सबसे पहले हम बात कर लें किस किस पे लगा सकते हैं। आप इसे मोबाइल फ़ोन पर लगा सकते हैं, आप इसे लैपटॉप पर लगा सकते हैं, आप इसे वाईफाई रूटर पर लगा सकते हैं, और आप इसे कंप्यूटर या PC पर भी लगा सकते हैं। ये क्या काम करता है, ये आपको सबसे पहला काम करता है, जो अगर हम ऊपर वाली जेब में मोबाइल को कई बार रखते हैं, और आजकल एक प्रॉब्लम हो चुकी है जिसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, वो मोबाइल को ऊपर वाली जेब में रखने की वजह से ही होती है, वो भी एक हार्ट अटैक है, लेकिन उस हार्ट अटैक की वजह सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, जो कि सर्वे के अंदर पता हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि अगली जो प्रॉब्लम है वो है लोअर स्पर्म काउंट। पुरुषों के अंदर नीचे वाली पॉकेट के अंदर, जब हम ट्राउज़र में, जींस के अंदर नीचे वाली पॉकेट में हम अपने मोबाइल को रखते हैं, तो उस एरिए में वो रेडिएशन का प्रभाव रहता है, उस वजह से जेंट्स के अंदर शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर और कैंसर। जी हाँ, जब आप मोबाइल कंपनियां अपनी बुकलेट के अंदर, मोबाइल की जो बुकलेट होती है उसमें लिख के देती है कि अगर आप 1 घंटे में 6 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम होती है तो मोबाइल कंपनी जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, यानी अगर आपको ब्रेन ट्यूमर या कैंसर भी हो जाता है तो मोबाइल कंपनी ये बोल रही है कि हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से आपने नहीं पढ़ा है दोस्तों, मैंने भी नहीं पढ़ा था जब तक मैंने ये ट्रेनिंग नहीं देखी थी।
और दोस्तों रिस्क टू चिल्ड्रन, जी हाँ, बच्चों को एक एक दो दो घंटे के लिए मोबाइल फोन दे देते हैं, बच्चे आराम से उस पर गेम्स खेलते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन आप सोचिए, हम उस बच्चे को वो फोन दे रहे हैं जिसमें रेडिएशन बहुत सारा है और वो इतना नुकसान करता है कि बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर कर देता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आपको खुद को बड़ा आश्चर्य लगेगा जब मैंने पहली बार सुना था। WHO ये बोलता है कि अगर आपने अपने बच्चे को आधे घंटे या उससे ज्यादा फोन दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने बच्चे को एक सिगरेट पिला दी है। तो क्या आप अपने बच्चे को एक सिगरेट पिलाना चाहेंगे? दोस्तों आज मोबाइल फोन उसी कैटेगरी में है जहाँ 30 साल पहले सिगरेट को रखा गया था, और कनाडा ने तो अपने मोबाइल के जो बॉक्स है उन पे ये लिख भी रख दिया है कि मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश में भी मोबाइल फोन की जो बॉक्स है उन पर ये लिखा जाएगा कि मोबाइल फोन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों वो दिन आएगा जब तक भी लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि सिगरेट पर आज भी लिखा है लेकिन फिर भी लोग सिगरेट पी रहे हैं। बट दोस्तों मोबाइल फोन जो आपका छोटा बच्चा रखता है, आपकी मम्मी, आपका पापा, आपके भाई बहन, आपका परिवार, आपकी बीवी, सभी लोग उसे रखते हैं। बट मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने आप को उससे बचाना है, क्योंकि ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके और आपके परिवार की जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों ये 4 कलर में अवेलेबल है, सिल्वर कलर में अवेलेबल है, ये ब्लू कलर में अवेलेबल है, ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है और मैजेंटा कलर में अवेलेबल है। ये 4 कलर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप इसने अगर अभी तक अपने मोबाइल फोन पे एंटी रेडिएशन चिप नहीं लगाई है दोस्तों, तो फटाफट अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे इस चिप को लगाइए। उसके बाद में जब आप लगा लेंगे तो आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वो सभी इस चिप को लगाएंगे और इसे से आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 60% से ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम है। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है और आप इसे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो हर महीने 100 चिप बेचते हैं। तो आप सोच सकते हो दोस्तों कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हो और सिर्फ इसी पे काम कर सकते हो। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखें। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसे लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर भी करें। थैंक यू।